The winner of the Indian of the Year 2022 in the politics category is Yogi Adityanath. Ladies and gentlemen, as you are well aware, the state of UP is in mourning after the passing away of former Chief Minister Mulayam Singh Yadav. Therefore, Yogi Adityanath, the Chief Minister, could not come here in person, but he has sent us a recorded message. मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ CNN News 18 नेटवर्क को जिन्होंने मुझे यह सम्मान दिया है, लेकिन सही मायने में इस सम्मान का सही हकदार हमारे नेता, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी हैं, जिनके मार्गदर्शन और नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की सरकार दो तिहाई से अधिक बहुमत से फिर से प्रदेश में सरकार बनाने में सफल रही है। जनता जनार्दन के प्रति भी मैं आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने 5 वर्ष के अंदर हुए परिवर्तन और चल रहे उन सभी अभियानों में हमें अपना पूरा समर्थन दिया और अंततः चुनाव के दौरान भी सभी मिथकों को तोड़ते हुए प्रदेश के अंदर लगभग 37 वर्ष बाद किसी सरकार को रिपीट करने और दो तिहाई से अधिक वोट के साथ फिर से अपना आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की सरकार को फिर से यहां पे प्रदेश में सेवा का अवसर दिया है। मैं धन्यवाद दूंगा एक बार फिर से CNN न्यूज 18 नेटवर्क को, जो लोकतंत्र को मजबूत बनाने की मीडिया की भूमिका को ईमानदारी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य कर रहा है। मेरी हार्दिक इच्छा थी कि इस अवसर पर मैं स्वयं उपस्थित हूं, लेकिन पिछले एक सप्ताह से आप सब देख रहे हैं अतिवृष्टि के कारण प्रदेश के अंदर अनेक जनपदों में व्यापक जनधन की हानि दिखाई दे रही है और उन सभी स्थलों का दौरा का कार्यक्रम होने के कारण मैं इस अवसर पर प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित नहीं हो पा रहा हूं, लेकिन मैं इस बात के लिए हृदय से धन्यवाद दूंगा कि राज्य के अंदर चल रहे परिवर्तन और जनता जनार्दन के आशीर्वाद को CNN ने स्वीकारा और इसके लिए मेरा चयन किया। मैं इसके लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं। Ladies and gentlemen, can we have a round of applause for the Indian of the Year in the politics category, the Chief Minister of Uttar Pradesh, Yogi Adityanath. Thank you so much, Zakir. Thank you, Zakir, for doing the honors. And with that, we move.